गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हमें ग्रेजुएशन से 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें सब स्टूडेंट्स एक दूसरे से 3 साल बाद फिर से मिलते हैं, और वहाँ पर उन्होंने बुकी की फोटो रखी हुई थी। इस गेट टुगेदर पार्टी में अभी तक साकुरा नहीं आई थी। इज़ावा ने रीना पर अपनी डॉक्यूमेंट्री मूवी भी कम्प्लीट कर ली थी, तो वो ये मूवी क्लास में प्ले करता है। इस मूवी में रीना की बहुत सारी हैप्पी और सैड मोमेंट्स थी, और इस मूवी में हम इबुकी और रीना को भी देखते हैं, जिसमें रीना इबुकी से कहती है कि मैं कल्प्रिट को मिलने जा रही हूँ, और इबुकी भी उसके साथ जाना चाहता था, पर रीना उसे मना कर देती है। तभी साकुरा भी पार्टी में पहुंच जाती है। नाउ बैक टू पास्ट March 9। तो अब तक हमने देखा कि डिटेक्टिव और इबुकी की फाइट हो रही थी, जिसमें कोई इबुकी को बचाने आ जाता है, और वो था तनाका। तनाका डिटेक्टिव को बहुत ही मारता है। इबुकी इन्वेस्टिगेटर होंजो को कॉल करके उन्हें बताता है कि डिटेक्टिव गुंजी मेरे पास है। ये बात सुनकर इन्वेस्टिगेटर होंजो अपनी टीम को रोक देते हैं, और इबुकी उसे कहता है कि मैं कल तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। कॉल कट करते ही इबुकी बेहोश हो जाता है, और साकुरा उसका ध्यान रखती है। डिटेक्टिव गुंजी को भी तनाका ने रूम में बंद कर दिया था। तनाका का भी जाने का टाइम आ गया था, और वो स्टूडेंट्स को बाय कहके वहाँ से चला जाता है। पुलिस स्टेशन में चीफ इबुकी के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे, तो डिटेक्टिव गुंजी का पार्टनर ऑफिसर्स को फोमिका के घर लेकर जाता है, जहाँ पर फोमिका के फादर इबुकी की वीडियो माइंड वॉइस पर अपलोड कर देते हैं, और इसी कारण अब सब लोगों के अकॉर्डिंग इबुकी ही कल्प्रिट था। इबुकी को होश आ चुका था, और उसे फोमिका के फादर की कॉल आती है, जो उसे बताते हैं कि मुझे वीडियो टाइम से पहले ही अपलोड करनी पड़ी, क्योंकि पुलिस आ चुकी है और मैं अपने आप को सरेंडर करने वाला हूँ। वो इबुकी को ये भी बताते हैं कि जब तनाका तुम्हें हीरो का रोल देना चाहता था, तब मैं इस आइडिया के अगेंस्ट था, पर अब मुझे ये बात समझ आई है, और फोमिका का इतना ध्यान रखने के लिए भी थैंक यू। फोमिका के फादर फोमिका को बाय कहकर पुलिस के साथ चले जाते हैं। क्लास में इज़ावा को रीना की डेथ वाला दिन याद आता है, जब रीना की बॉडी को देखकर इबुकी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। और हम फ्लैशबैक्स में ये भी देखते हैं कि इबुकी इज़ावा को बुलाकर उसे फेवर मांगता है। इबुकी इज़ावा को अपना सारा प्लान बताता है और उसकी हेल्प मांगता है। प्रेजेंट में इबुकी क्लास में आता है और उन सबसे कहता है कि तुम सबको पता चल ही गया कि ये फेक वीडियो मैंने ही बनाई है, और प्लान के अकॉर्डिंग ही इसे इंटरनेट पर अपलोड किया गया है। इबुकी उन सबसे कहता है कि अब मैं तुम सबको अपना प्लान और अपने गोल्स के बारे में बताऊंगा। इबुकी उन्हें बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, और हम दोनों स्कूल टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, पर मेरी गर्लफ्रेंड को ताकेची का सीक्रेट पता चल गया था, और ताकेची ने उसे फंसाने के लिए उसकी फेक वीडियो बनवाई थी, जिसके कारण वो दिमागी रूप से बीमार हो गई। इसी फेक वीडियो का एविडेंस ढूंढने के लिए मैंने इस हाई स्कूल को ज्वाइन कर लिया। मुझे ये कैंसर स्कूल टाइम से है, इसीलिए मैं बिना किसी एम के अपना टाइम स्पेंड करने लगा। इसी बीच रीना की फेक वीडियो पोस्ट हुई थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रीना से मिलकर उसकी स्टोरी सुनूंगा। पर जिस दिन मैं ताकेची से मिलने जाने वाला था, उसी दिन रीना मर गई, और उस दिन ताकेची रीना से नहीं मिला था। रीना ने मुझसे हेल्प भी मांगी थी, पर मैं उसे बचा नहीं पाया, और अगर मैं उस दिन रीना के साथ गया होता तो वो आज जिंदा होती। वो स्टूडेंट्स को रीना के कल्प्रिट के बारे में भी बताता है। इबुकी उनसे कहता है कि मेरे 3 गोल्स हैं। पहला है ताकेची को उसकी गलती रियलाइज करवाना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये सब करने का रीजन है। इसके बाद इबुकी अपने हाथ पर चाकू मार लेता है, सबको ये समझाने के लिए कि आजकल लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि वो किसी दूसरे इंसान की पेन को फील कर सके। मैं नहीं चाहता कि तुम सब भी ऐसे एडल्ट्स बनो जो किसी की पेन को समझ ना पाए, और यही मेरा 3rd ऑब्जेक्टिव है। मैंने तुम सबको बहुत ही डराया, आई एम सॉरी फॉर डैट, पर इन 10 दिनों में तुम सब कितने चेंज हो गए, और ये देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, और कल मैं तुम सबको फ्री कर दूंगा, एंड देन मेरी क्लास भी ओवर हो जाएगी। तो अभी बुकी कॉल पर इन्वेस्टिगेटर होंजो से कहता है कि कल मैं फर्स्ट स्कूल बिल्डिंग के रूफ टॉप पर डिटेक्टिव गुंजी के साथ जाऊंगा, और वहां पर मैं तुम्हें अपनी लास्ट रिक्वेस्ट बताऊंगा। तभी वहां साकुरा जाती है, और वो इबुकी पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है, क्योंकि इबुकी अपने आप को कल्प्रिट दिखा रहा था। इबुकी उसे जवाब दिए बिना ही रूम में चला जाता है। अब इबुकी डिटेक्टिव गुंजी को अपने साथ लेकर जा रहा था, और साकुरा उसे रोक लेती है, पर इबुकी साकुरा को रोकने के लिए एक और ब्लास्ट कर देता है। इज़ावा साकुरा को इबुकी की बात बताता है, जिसमें इबुकी ने इज़ावा से कहा था कि सच को सामने लाने के लिए मुझे पूरी दुनिया का दुश्मन बनना होगा, और ये मैं साकुरा के लिए भी कर रहा हूँ। प्रेजेंट में इबुकी डिटेक्टिव गुंजी को रूफ टॉप पर ले जाता है, और नीचे बहुत सारी मीडिया और पुलिस ऑफिसर्स थे। क्लास में साकुरा वापस आती है, और वो सबको कुछ बताना चाहती थी। साकुरा सबको बताती है कि मैंने रीना को मारा है। फ्लैशबैक्स में हम देखते हैं कि साकुरा रीना को लेकर किसी बिल्डिंग में जाती है, ये कहकर कि वो उसे कुछ बात करना चाहती है। प्रेजेंट में एक ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर होंजो के कहने पर इबुकी को गोली मार देता है। इन्वेस्टिगेटर होंजो ऑफिसर्स को स्कूल में एंटर होने को भी बोलते हैं, पर एंट्री से पहले ही वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट इबुकी ने ही किया था, और वो जिंदा था क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी। इबुकी कहता है कि कल सुबह 8 बजे
मैं माइंड वॉइस पर सबको सच बता दूंगा, और अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं स्कूल बिल्डिंग को ब्लास्ट कर दूंगा। क्लास में साकरा फिर से सबको बताती है कि मैंने रीना को मारा है, और इबुकी ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। इबुकी डिटेक्टिव गुंजी को बताता है कि ये सब फूमिका की फेक वीडियो से शुरू हुआ था, और मैं फूमिका को जस्टिस दिलाना चाहता था, और इसी बीच मुझे रीना की फेक वीडियो मिली, जो इज़ामा ने मुझे बताया था कि ये वीडियो किसी ने एडिट की है। इबुकी ने ताकेची का मोबाइल हैक करके उसकी सारी बातें सुन ली थी, पर रीना की हेल्प करने से पहले ही वो मर गई। इसीलिए बुकी के प्लान में फूमिका के फादर और चीफ ने उसकी मदद की थी, क्योंकि फूमिका चीफ की रियल डॉटर है, और बस यहाँ से ही हमारा सारा प्लान बनना शुरू हुआ। क्लास में साकुरा सबको बताती है कि रीना के डेथ वाले दिन मैं उससे मिली थी, तो अब हमें पूरा सीन दिखाया जाता है। साकुरा रीना को रूफ टॉप पर ले जाती है और उससे सॉरी कहती है, और इसी बीच साकुरा का फोन बजने लगता है, तो साकुरा अपना फोन बाहर निकाल लेती है। फोन को देखकर रीना बहुत ही अजीब सा बर्ताव करने लगी थी, और वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी साइड हो, पर अब सब मुझे मेरे एनिमीज लगने लगे हैं, बस अब मैं और सहन नहीं कर सकती। ये कहते ही रीना वहाँ से जंप कर देती है, पर साकुरा उसका हाथ पकड़ लेती है, तो रीना उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे इस दर्द से आजाद कर दो, तो साकुरा उसका हाथ छोड़ देती है। प्रेजेंट में जावा साकुरा से कहता है कि प्लीज खुद को ब्लेम करना बंद करो। साकुरा ने भूकी को ये सारी बातें इंसिडेंट के फर्स्ट डे पर ही बताई थी, पर इबुकी ने उसे समझाया था कि रीना तुम्हारी वजह से नहीं मरी, क्योंकि अगर तुम उसे बचा लेती तो शायद बाद में भी वो ऐसा ही करती। प्रेजेंट में इबुकी सुबह 8 बजे रूफ टॉप पर आ जाता है। क्लास में साकुरा सबको इबुकी की ड्रीम के बारे में बताती है, तो सबको लगता है कि इबुकी कहीं सच में रूफ टॉप से जंप ना कर दे, तो वो सब रूफ टॉप की तरफ भागते हैं। डिटेक्टिव गुंजी अपने पार्टनर को कॉल करके फूमिका को स्कूल आने को बोलते हैं, पर वो ये करने से मना कर देता है। सभी स्टूडेंट्स रूफ टॉप पर जाने के लिए रास्ता बना रहे थे, और डिटेक्टिव गुंजी उनकी हेल्प करते हैं, पर तभी उन्हें इबुकी की आवाज आती है, जो माइंड वॉइस पर लाइव था। इबुकी उन सबको इस इंसिडेंट का रीजन बताने वाला था, पर सब लोग पहले ही इबुकी के खिलाफ गलत बोलने लगते हैं, तो इबुकी उन्हें पूरी वीडियो दिखाता है जिसमें वो किसी और लड़की के साथ शूटिंग कर रहा था, और ऐसे ही इबुकी ने ये फेक वीडियो बनाई थी। तो अब इबुकी सबको इस इंसिडेंट का मेन रीजन बताता है, जो था पूरी दुनिया को सोशल मीडिया के वायलेंस के बारे में समझाना। इसीलिए इबुकी बार बार इस फेक वीडियो को चेंज कर रहा था, ताकि वो लोगों को रियलाइज करा सके कि वो कितनी जल्दी किसी भी अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। फर्स्ट डे पर सब लोग इबुकी को मर्डर कह रहे थे, फिफ्थ डे पर जब सबको पता चला कि सारे स्टूडेंट्स ठीक हैं और कल्प्रिट कोई और टीचर है, तो सब इबुकी को हीरो कहने लगे। सिक्स्थ और सेवन्थ डे पर जब सबको पता चला कि ताकेची कल्प्रिट है, क्योंकि वीडियो में उसका फेस था, तो सब ताकेची के खिलाफ हो गए। डे नाइन्थ पर जब वीडियो में इबुकी का फेस रिवील हुआ, तो सब ताकेची को छोड़कर इबुकी को कल्प्रिट मानने लगे, और अब टेंथ डे पर सबको पता चला कि ये सब झूठ था। इबुकी इन सब पर बहुत गुस्सा करता है, पर लोग इबुकी को ही बुरा भला बोल रहे थे, जैसे तुम मर जाओ। इबुकी इन सब यूजर्स को रीना के असली कल्प्रिट कहता है, क्योंकि रीना की फेक वीडियो माइंड वॉइस पर अपलोड होने के बाद सब लोग उसे इंटरनेट पर बुली करते थे, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया। स्कूल में सारे टीचर्स ताकेची के पास आते हैं, जो पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, क्योंकि माइंड वॉइस के यूजर्स ने उसे भी बहुत बुली किया था, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर काफी बुरा असर हुआ था, और उसे सब अपने दुश्मन ही नजर आ रहे थे। रीना के साथ भी ऐसा ही हो रहा था जैसा ताकेची के साथ हो रहा है, और इसीलिए रूफ टॉप पर साकुरा को मोबाइल पर टाइपिंग करते देखकर वो बहुत डर गई थी, और उसको लोगों के गंदे गंदे कमेंट्स याद आ रहे थे। डिटेक्टिव गुंजी का पार्टनर फूमिका को भी वहाँ ले आया था, और ताकेची वहाँ फूमिका को देख लेता है। इबुकी सबको ये भी समझाता है कि हमें हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे वर्ड्स नाइफ से ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो किसी के दिल को चोट पहुंचा सकते हैं। बातों बातों में भी कहीं बातें किसी का दिल तोड़ सकती है। इबुकी सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज ये सब यहीं बंद कर दो, किसी को कुछ कहने से पहले एक बार खुद को देखो, क्योंकि किसी को जज करना तो बहुत आसान होता है, पर खुद को पहचानना सबसे मुश्किल काम होता है। और एट लास्ट इबुकी सबको थैंक यू कहता है। अब साकुरा भी रूफ टॉप पर आ जाती है, और यहाँ पर इबुकी कहता है कि मेरा लेसन यहीं कंप्लीट होता है, और वो रूफ टॉप से जंप कर देता है, पर साकुरा उसका हाथ पकड़ लेती है। इबुकी भी उससे रीना जैसी बातें ही करता है, और तभी हम फ्लैशबैक्स देखते हैं, जिसमें रीना के इतना कहने के बावजूद भी साकुरा उसका हाथ नहीं छोड़ती, ये कहते हुए कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, सो प्लीज तुम मत जाओ, पर रीना अपना हाथ छुड़ा लेती है। प्रेजेंट में भी साकुरा इबुकी का हाथ पकड़ कर रखती है, पर उससे हाथ छूट रहा था, तभी वहाँ काई आकर इबुकी का हाथ पकड़ लेता है, और उससे कहता है कि मैं कैसे आपको मरने दूँ, और ऐसे ही सब स्टूडेंट्स इबुकी को बचा लेते हैं। इबुकी फिर से साकुरा से पूछता है कि क्या तुमने रीना का हाथ छोड़ा था। साकुरा रोते हुए कहती है कि नहीं, मैं तो चाहती थी कि वो जिंदा रहे। इबुकी उससे कहता है कि ये छोटे से हाथ ने तो लास्ट तक रीना को बचाने की पूरी कोशिश की, तो अब से तुम खुद को कभी ब्लेम मत करना, ओके। जुड़ाई मजाक में इबुकी से
कहता है कि वैसे आपका भी मरने का कोई इरादा नहीं था। इबुकी कहता है कि डेथ इज स्केरी। दूसरी तरफ ताकेजी फुमिका से माफी मांगता है और फुमिका उसे माफ कर देती है। डिटेक्टिव बुंजी इबुकी को अरेस्ट कर लेते हैं और फुमिका इबुकी को थैंक यू कहती है और इबुकी उसे बताता है कि मैंने ये सब अपने लिए किया। और एट लास्ट इबुकी सारे स्टूडेंट्स को उनकी ग्रेजुएशन के लिए कांग्रेचुलेशन कहता है। एट लास्ट हमें पता चलता है कि एक साल बाद ही इबुकी मर गया था और सब स्टूडेंट्स उसे अपना हीरो मानते हैं। और साकुरा क्लास में बैठकर इबुकी की फोटो से बातें कर रही थी। इबुकी की बातें शायद ज्यादा लोगों तक तो नहीं पहुंची, पर एक इंसान तक तो पहुंच ही गई थी जो अपना बैड कमेंट पोस्ट करने वाला था, पर एट लास्ट वो इसे रेज कर देता है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस अमेजिंग गे ड्रामा। मुझे ये ड्रामा देखने में बहुत ही मजा आया एंड आई होप कि आप सबको भी इसकी एक्सप्लेनेशन सुनने में बहुत ही मजा आया होगा एंड आप सबको भी ये ड्रामा एक बार जरूर देखना चाहिए। इस ड्रामा को देखते टाइम मैंने इससे बहुत सारी नई नई चीजें सीखी, जैसे ह्यूमैनिटी कितनी जरूरी होती है और हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि ये बातें उस पर्सन को जिंदगी भर याद रहती है और वो पर्सन कभी चाहकर भी ये बातें भूल नहीं पाता। सो हम सबको ऐसी बातें करनी ही क्यों है जो किसी को हर्ट करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन। Out of your mouth, you wish someone else.